एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सो मच सो दैट क्या है। सो मच सो दैट का मतलब होता है इतना कि। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह लड़का बहुत होशियार था, इतना कि वह मिनटों में इसे सॉल्व कर सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट सो मच सो दैट ही कुड सॉल्व इट इन फ्यू मिनट्स। यानी वो लड़का बहुत तेज था या बहुत होशियार था, इतना कि वो इसे मिनटों में हल कर सकता था। अगर आपको कहना हो वह वीडियो बहुत काम का था, इतना कि मैंने उसे 5 बार देखा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट वीडियो वॉज वेरी यूजफुल सो मच सो दैट आई वॉच दैट वीडियो 5 times। यानी वह वीडियो बहुत यूजफुल था, इतना कि मैंने उसे 5 बार देखा। अगर आपको कहना हो चाय बहुत टेस्टी है, इतना कि मैं एक बार और पीना चाहता हूँ या मैं दोबारा पीना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द टी इज वेरी टेस्टी सो मच सो दैट आई वॉन्ट टू टेक इट अगेन। यानी चाय बहुत टेस्टी है, इतना कि मैं इसे एक बार और पीना चाहता हूँ या मैं दोबारा पीना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत याद किया, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मिस्ड यू अ लॉट सो मच सो दैट यू कांट थिंक ऑफ। यानी मैं आपको बहुत याद किया, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वह बहुत रोई, इतना कि उसकी आंखें सूज गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वेप्ट बैडली सो मच सो दैट हर आईज वर सोलन। यानी वह बहुत रोई, इतना कि उसकी आंखें सूज गई। अगर आपको कहना हो उसके पास बहुत नॉलेज है, इतना कि वह एक किताब लिख सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज सो मच सो दैट ही कैन पब्लिश अ बुक। यानी उसके पास बहुत नॉलेज है, इतना कि वह एक किताब पब्लिश कर सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि सो मच सो दैट का मतलब होता है इतना कि। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।